भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक अभियान को कांग्रेस लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की खाना खाते हुए एक फोटो ट्वीट की है और लिखा है कि भाजपा नेता चुनावों को देखते हुए अपने बूथ कार्यक्रम के तहत बूथों पर जाकर ही गरीबों के घर पर, कहीं चूल्हे पर तो कहीं गरीबों के घर पर तो कहीं जमीन पर बैठकर दिखावटी भोजन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव तो इनसे अलग हैं। वो तो बूथों पर जाकर शान से चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला और बूथ विस्तारक अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान भाजपा का अभियान ना बनकर बीडी शर्मा जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम बन के रह गया और पूरी तरह असफल हो गया। जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया था कि सभी नेता कार्यकर्ता 100-100 घंटे बूथ विस्तारक अभियान में देंगे, सिवाय बीडी शर्मा के कोई भी नेता बाहर नहीं निकला, ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती का कहीं अता पता नहीं, प्रहलाद पटेल का अता पता नहीं। भाजपा के तमाम नेताओं ने इस अभियान से दूरी बना ली, किनारा कर लिया, केवल अकेले बीडी शर्मा जी का अभियान बन के रह गया। पूरे मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान बार बार तारीख बढ़ाने के बाद भी असफल हुआ है और भाजपा का बंटवारा और बिखराव भी सतह पे आ गया है। कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक अभियान को लेकर सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी नेताओं को निशाने पर ले रही है, उससे भाजपा के बूथ विस्तारक अभियान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन राजनीतिक माहौल जरूर गर्म हो गया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक अभियान को कांग्रेस लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की खाना खाते हुए एक फोटो ट्वीट की है और लिखा है कि भाजपा नेता चुनावों को देखते हुए अपने बूथ कार्यक्रम के तहत बूथों पर जाकर ही गरीबों के घर पर, कहीं चूल्हे पर तो कहीं गरीबों के घर पर तो कहीं जमीन पर बैठ कर दिखावटी भोजन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव तो इनसे अलग हैं। वो तो बूथों पर जाकर शान से चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भी भाजपा पर हमला बोला और बूथ विस्तारक अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान भाजपा का अभियान ना बनकर बीडी शर्मा जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम बन के रह गया और पूरी तरह असफल हो गया। जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया था कि सभी नेता कार्यकर्ता 100-100 घंटे बूथ विस्तारक अभियान में देंगे, सिवाय बीडी शर्मा के कोई भी नेता बाहर नहीं निकला, ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती का कहीं अता पता नहीं, प्रहलाद पटेल का अता पता नहीं। भाजपा के तमाम नेताओं ने इस अभियान से दूरी बना ली, किनारा कर लिया, केवल अकेले बीडी शर्मा जी का अभियान बन के रह गया। पूरे मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान बार बार तारीख बढ़ाने के बाद भी असफल हुआ है और भाजपा का बंटवारा और बिखराव भी सतह पे आ गया है। कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक अभियान को लेकर सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी नेताओं को निशाने पर ले रही है, उससे भाजपा के बूथ विस्तारक अभियान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन राजनीतिक माहौल जरूर गर्म हो गया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।